बर्मा के अंदर हो रहे कत्ले आम के विरोध में ये भारत के समस्त मुस्लिम समुदाय के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। हमारे बीच में एक महिला आई है, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। मैडम आपका नाम? शाहीन कौशल मेरा नाम है और हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये हमारा मुतालबा हुकूमत हिंद से है कि जो यहाँ 40,000 रिफ्यूजी यहाँ पर आए हुए हैं और इससे पहले भी कई बार यहाँ पर आए और उनको पनाह दी और आज भी वो पनाह गजी यहाँ पर हैं, लेकिन उनको मान सम्मान के साथ यहाँ रखा हुआ, उनके लिए कोई इशू नहीं बन रहा है, लेकिन ये 40,000 रिफ्यूजी के लिए इस तरह की दोगलेपन की बातें क्यों हो रही है? इस तरह ये कहीं साजिश तो नहीं है? क्योंकि ये अगर साजिश नहीं होती तो ये रोहिंग्या जो मुसलमान यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागे हुए हैं तो ये संविधान भी कहता है, यूनाइटेड नेशन भी ये कहता है और ये जो है इससे पहले पाकिस्तान से भी जो हिंदू यहाँ पर आए हैं, बांग्लादेश ही यहाँ पर आए हुए हैं, तिब्बत के यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई? तो हमारा ये मुतालबा है कि जो इस तरह गलत बयाने से काम ले रही है यहाँ की हुकूमत हिंद वो जो होश के नाखून ले और इस बात को एग्री करे कि ये भी उसी तरह का फ्रीडम रखते हैं और जो भी यहाँ से मजबूर और परेशान हाल लोग आएंगे और ये जो संविधान हमारा कहता है और यहाँ हम उनको रहने के लिए शरण देंगे और जो भी इस तरह की बातें आई हैं उसे हम अपने आप को इससे दूर रखेंगे और उनको जो भी ज़रूरतें पड़ेगी ये हुकूमत उनके साथ खड़ी है। हम इसीलिए ये मुतालबा करने के लिए यहाँ आए हैं कि जो आज अपने सर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे बगैर किसी वजह के मारे जा रहे हैं और वो भूख से परेशान हाल हैं, तबाह हैं, तो उनको ये हिंदुस्तान हुकूमत जगह दे। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से यही दो मांगे मेरी हैं कि अभी तक जो गलतियां हुई हैं उसको हम भूल सकते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला जो जारी है, जो उनके साथ इस तरह कत्लेआम किया जा रहा है, उसने अपनी चुप्पी साधी हुई है, आखिर क्यों, वजह क्या है, इसमें साफ जवाब दें। ये किसी हिंदू मुसलमान के लिए जो है साजिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि जम्मू के लिए तो अभी ये कहा गया, जम्मू सरकार ने जब इसको इसके लिए ये क्लियर कर दिया है कि जो तुम्हें सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो ये सिक्योरिटी का मसला है, तो इस तरह का कोई भी मसला आज तक हमारे सामने आया नहीं कि वो गद्दार हैं या इस तरह के जो है आतंक वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक भी इसमें पकड़ा नहीं गया ना ये साबित हुआ है। तो ये किस तरह की बातें सरकार कर रही है और किस तरफ गुमराह कर रही है और किस तरफ ये ले जाना चाहती है, ये समझ से बाहर बात है। तो हमारी डिमांड ये, हमारे मुतालबा यही, आज यहाँ जंतर मंतर पर आकर के यही हम कहना चाह रहे हैं कि वो अपने बातों से बातों को वापस ले और इस तरह से इन लोगों को रहने के लिए परमिशन दे, इजाज़त दे और जो भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उनका सपोर्ट करें, साथ दें।